फिर कोरोना खत्म हुआ लगता फ्रिज वाला पानी डरे नहीं पी रहा है। पुलिस लोग आता है का बोलेंगे, आता है दो तीन लाठी मारता है चल जाता है, दो तीन लाठी का मार खा के बेचते का करेंगे भैया। क्या फायदा है इस घड़े को ले जाने? पानी शीतल रहती है, उसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो फिर लोग फ्रिज का पानी क्यों? अपने सुकून के लिए। घर से निकलते ही ऐसा महसूस होता है कि आपकी भट्टी में जा रहे हैं। अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है और अभी से कुछ गरीबों की हालत खराब होती जा रही है। जो रोड के किनारे दुकान लगाए बैठे हैं, इनको पता चल रहा है कि गर्मी क्या होती है। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पर एसी है, कूलर है, कार में एसी है, ऑफिस में एसी है, उनसे तो बाद में बात करेंगे। पहले इन गरीब दुकानदारों से बात करते हैं जो सड़क के किनारे दुकान लगाकर बैठे हैं। क्या उनका सामान बिक रहा है या फिर वो गर्मी में ऐसे ही अपना दिन काट रहे हैं? आप गर्मी में दिन भर घूम करके ये अपना सामान बेच रहे हैं, क्या आपका सामान बिक रहा है? बिकता है तो मतलब नहीं हो रहा है अभी, वैसा बिक्री थोड़ी वैसा हो रहा है। गर्मी का चीज़ नहीं है, ज़्यादा चीज़ है लेकिन चल रहा है जैसे जैसे तैसे, मतलब ऐसा कोई खास बिक्री अभी है नहीं। तो क्या जाड़ा में बिकता था? जाड़ा में तो बिक्री होता ही है। तो दिन भर घूमने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? फायदा नहीं के बराबर अपना चल रहा है, अपना पेट चलता है किसी तरह से आपका। पहले के मुकाबले अभी कितना बिक रहा है? अभी तो निकालिए कि अभी तो एक पीस बहुत किए हैं खाली, बात सब कुछ बिक्री कहाँ किए हैं। डेली बिक्री हो जाने पर 400-500 रुपये कमा लेता आदमी। घड़ा क्यों लेके जा रही है? आपके घर में तो फ्रिज होगा ना? फ्रीज है बट हम हॉस्टल्स में रहते हैं तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। क्या फ़ायदा है इस घड़े को ले जाने से? पानी शीतल रहती है, उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो फिर लोग फ्रिज का पानी क्यों? अपने सुकून के लिए। ये घड़ा कितने का है? ये घड़ा 250 का। अभी तो एक टेम्पो लाए तो पूरा खत्म हो गया, इतने बचा है। गर्मी है तो घड़ा बिक रहा है बहुत ज़्यादा। सबके घर में तो आजकल फ्रिज है, सब फ्रिज में पानी रखते हैं, फिर भी लोग घड़ा क्यों लेके जाते हैं? क्या महत्व है इस घड़ा का? पता नहीं, कोरोना चलते थे 2 साल नहीं बिक्री हुआ, फिर कोरोना खत्म हुआ लगता फ्रिज वाला पानी डरे नहीं पी रहा है का। और सब कोई आ गया घड़ा पर, घड़ा वाला पानी पीने से गला नहीं बैठता है। अभी इतना गर्मी चल रहा है, इतना लू चल रहा है, उसके बावजूद भी आपके दुकान में ऐसे सामान बिक्री हो रहा है? बहुत ज़्यादा, जितना लू बहता है, गर्मी लगता है, प्यास लगता है, दौड़ के मेरा ही पास आता है। घड़ा में, सुराही में, जग में, बालू और मट्टी देख के बनाते हैं ना, और राख कोयला का, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा ठंडा। घर में बनाते हैं, खुद बनाते हैं, कुम्हार हैं। तो आपने सुना कि लोगों के घर में फ्रिज होने के बावजूद भी लोग क्यों घड़ा लेने के लिए आ रहे हैं और घड़ा का क्या महत्व है? आइए रांची में गर्मी का कुछ झलक आपको और दिखाते हैं। गर्म हवा का पहला झोंका बदल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर नजारा, छुट्टी जल्दी गर्मी, छुट्टी जल्दी गर्मी का मौसम आया, छुट्टी जल्दी घमोरिया लाया। इतना गर्मी है, कितना नींबू पानी बिक रहा है आपका? अभी तो पानी तो बहुत मतलब घट जा रहा है। पानी घट जा रहा है तो फिर आप यहाँ पे खड़े होके बेच कैसे रहे? बेच रहे पानी, ये खरीद के ला रहे हैं। कहाँ से पानी खरीद के ला रहे हैं? कुइयां से। कहाँ से? कुइयां, जिला स्कूल। तो जिला स्कूल से खरीदने जाते हैं तो पैसा देना पड़ता है? हाँ पैसा देना पड़ता है, 10 रुपये टीना, 500। हाँ भैया 500-600 रुपये कमा लेते हैं। 10 रुपये में 600? हाँ 500-600 रुपये कमा के चल जाते हैं। एक दिन में कितना बिक्री हो जाता है? 500-600। पुलिस लगाता है तो क्या कुछ बोलते नहीं है कि अगर आप भगाइएगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? क्या बोलेंगे, आता है दो तीन लाठी मारता है चल जाता है, दो तीन लाठी का मार खा के बेचते क्या करेंगे भैया। ऐसा गर्मी है? गर्मी तो बहुत है। तो कैसे आप इतना गर्मी में रिक्शा चला रहे हैं? का अगर मजबूरी पर चलाना पड़ता है ना। एक पैसेंजर को अगर यहाँ से बैठा के ले जाइएगा फिरायलाल तक ही तो आप कितना पैसा लीजिएगा? मान लीजिए आप अपर बाजार से फिरायलाल ले जा रहे तो कितना पैसा देंगे? 20 रुपये लेते हैं। इतना मेहनत करके 20 रुपये देता है? 20 रुपये उतना कहता कि 10 रुपये देंगे। ऑटो का जमाना में रिक्शा पे कौन बैठता है? ऑटो वाला ऐसे रोड पर छोड़ देता, हम लोग ऐसे उसको घर तक पहुँचा देते हैं ना, वही चलते रिक्शा पर बैठता है। एक दिन में कितना कमाई हो जाता है? वो एक दिन में 250-250 चल जाता है उससे। का करल जाएगा तो भाई नहीं, हम लोग का काम धाना मिलता है तो चलबे करता, कैसे
तो हमने आपको पूरा रांची शहर घुमाया और दिखाया कि एक एक जगह पे कि हर एक गरीब अपना घर कैसे चला रहे हैं, कैसे इतनी कड़कती धूप में मेहनत करके अपना पेट पाल रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, खुद के लिए और खुद के घर के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।